अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुजराती बिरयानी की रेसिपी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके लिए क्या क्या लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 1.5 किलो मटन लिया था, इसे मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये 2 से 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2-3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। 1 हरी मिर्ची को बीच में से चीर कर लिया है। ये 3 छोटे छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर काटे हैं, और ये थोड़ा सा ज़ीरा, 3 कलमी, 2 इलायची, 3 लौंग, 8 से 10 काली मिरी, और एक थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैंने जायफल जयपत्री लिया है, और ये केवड़ा मैं 2 बुन ऐड करूँगी, और इसी के साथ साथ मैं इसमें समार ऐड करूँगी। अब मैं आपको इसे मिक्स करना दिखाती हूँ, अब मैं कैसे इसे मिक्स करती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने एक मटन धोकर रख लिया था। अब मैं इसी में ये टमाटर ऐड करूंगी। इसी के साथ साथ मैं इसमें अब ये प्याज जो मैंने काट कर रखी थी और हरी मिर्च, वो भी इसी में ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं इसी के साथ साथ हम इसमें हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। ये टेस्ट के मुताबिक हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। जितना हमारा गोश्त है, अभी हम सिर्फ गोश्त के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, बाकी आपको फिर बाद में चावल के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। या अभी मैं सिर्फ 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ हम इसमें आप 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच, 1 चम्मच और थोड़ा सा, और ये रेड चिली पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो हमने खड़े गरम मसाले रखे थे, वो भी हम इसी के साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे। और हम इसी के साथ साथ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर सब ऐड कर दिया। अब इसी के साथ हम इसमें 2 बूंद केवड़ा ऐसा ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसी में 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। ये कच्चे ही मटन में अपन मिक्स करके रखते हैं इसको, इसे हमें मिक्स करके 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसमें हम फिर 4 से 5 घंटे के बाद आप चाहे तो चावल को हाफ बॉईल करके भी डाल सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर कच्चा चावल भी बिछा सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं इसमें कच्चा चावल ऐड करूंगी, बट अभी मैं इसे 4 घंटे के लिए, 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुकी है। इसे हमें वैसे ही 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ना है। ये बिरयानी, ये गुजराती बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने अखनी को 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। ये हमारी अखनी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ही पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर से। ऐसे हम पिसा गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे। इसी के ऊपर हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ये हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा ये सूखा पुदीना है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने ये चावल भी धोकर रखा था। ये मैंने 1 पाव गोश्त के हिसाब से मैंने 1.5 पाव चावल लिया है। ये मैं इसके अंदर, ये मैंने धोकर रखा है, ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें उंगली के मेजरमेंट के हिसाब से पानी ऐड करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही पानी लूंगी, 1/2 इंच, 1 इंच पानी बस लूंगी मैं इसमें, ज़्यादा नहीं लूंगी। मैंने इतना अगर लिए तो ये चावल हमारे गीले हो जाएंगे, हमें थोड़ी फरेरी चाहिए, इसलिए हम सिर्फ इतना ही पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा पुराना चावल है आपका तो आप फिर थोड़ा सा इससे और ही ज़्यादा, इतना बढ़ा के बस आप इतना ले सकते हो। वैसे तो मैं बस इतना ही पानी लूंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ।
जब देख सकते हैं इतना पानी है, मुझे थोड़ा सा पानी और चाहिए। बस मैं इसमें ज़रा सी पानी और ऐड करूँगी। ये मैंने पानी को ऐड कर दिया है। अब मैं इसी के साथ साथ इसमें अब हम चावल के, जब भी हमने गोश्त के हिसाब से नमक को ऐड किया था, अभी हम इसमें चावल के हिसाब से ऐड करेंगे। अभी हमारा 1.5 गिलास से थोड़ा सा ऊपर चावल है, तो हम इसमें अब 1.5 गिलास के हिसाब से ही, 1.5 गिलास के थोड़ा सा ऊपर के चावल के हिसाब से ही नमक ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसमें अभी नमक भी ऐड कर दे रही हूँ। अब हम इसी के साथ साथ इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। जब भी हमने यखनी में सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला था, अभी मैं इसमें कम से कम 5 या 6 चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने 6 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। अब मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे तेज फ्लेम पर रख दूंगी। इसमें जैसे ही एक सीटी हो जाए, फिर हम इसे धीमी आंच करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो हमारा गोश्त भी गल जाएगा और ये बिरयानी बहुत अच्छी टेस्टी बन जाएगी। अगर आपके घर में ज़्यादा ही गला गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो आप 15 मिनट धीमी आंच पर रखकर, 15 मिनट फिर आप तवे पर या किसी चीज़ पर रखकर छोड़ सकते हो, तो उससे आपका गोश्त एकदम ही नरम, अच्छा सॉफ्ट बन जाएगा। अब मैं इसे कुकर लगाकर इसे रख देती हूँ। आप देख सकते हो मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। अब मैं गैस चालू करके इसे गैस के ऊपर रख दूंगी। ये मैंने गैस के ऊपर रख दिया है कुकर को। अब हम इसे तेज आंच पर पकने देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे कुकर में एक सीटी आ चुकी है। अब हम इसकी आंच को धीमी करके इसे 15 मिनट, 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पर छोड़ देंगे। आइए अब हम अपनी बिरयानी को खोलकर देखते हैं ये सही तरीके से पकी है कि नहीं। ये मैंने थोड़ा सा जलेबी का रंग, बिरयानी का रंग पानी में और एक बुन केवड़े में घोल कर रखा था, ये भी मैं इसके अंदर अब ऐसे ऐड कर दूंगी। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ ये अच्छी तरीके से पकी है कि नहीं पकी। अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ ये अच्छी तरीके से पकी है कि नहीं। वाह माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे खुले खुले चावल बने हैं। अब मैं आपको इसे प्लेटिंग कर दिखाती हूँ। तैयार है, आप भी इसे अपने घर में बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।